अरे लेकिन खाने का प्रबंध तो हम करने वाले थे। मैं समझा नहीं। वो महाराज, मैं बस देख रहा था कि ये खाना असली भी है या नहीं। मैंने जांच लिया है। ये सब क्या है महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। हमारी तरफ से एक भेंट, और सिर्फ इतना ही नहीं। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। नहीं महाराज, आप आज रात यही विश्राम कीजिए, कल सुबह चले जाइएगा, अब हमें अच्छा लगेगा। ठीक है। अजीब परेशानी से निकल रहा है ये राज्य, और हम इसकी कोई मदद भी नहीं कर सकते मुंजा। महाराज समस्या बड़ी जटिल है, लेकिन कोई तो उपाय होगा, कुछ तो ऐसा होगा जो इस राज्य के अंधेरे जीवन में रोशनी की किरण ले आए। हाँ, ये क्या था, चलो देखते हैं मुंजा। भगा ले हवा से भी तेज, उड़ा के ले चल, इस दुष्ट दानव से बचने का यही है हल। आप यहीं रुकिए, मैं जरा इसकी खबर लेकर आता हूँ। कौन है जिसने मेरे शिकार को मुझसे छीना है? वैसे तो मेरे बहुत नाम है, लेकिन पहले ये बताओ, ये कोई वक्त है इतना हल्ला करने का? लोग सो रहे हैं भाई, अब जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ अपने बिल में। मुंजा, इसी के हथियार को इसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा, वरना ये यहीं इस बंजर जमीन में हमारी समाधि बना देगा। इसे कहते हैं उल्टा अपने मुंह की खाना। मेरा नाम है बरखा पुराण, और आप दोनों है कौन, कैसे किया उस दानव को मान? मेरा नाम मुंजा है, और ये है मेरे महाराज विक्रमादित्य। मैंने सुना है आपका नाम, आपकी वीरता का हम करते हैं सम्मान। ये तोहफा मेरी कृतज्ञता का है प्रमाण, क्योंकि आप दोनों ने बचाए हैं मेरे प्राण। ये हीरो से भरा एक झोला है, इसे कभी खाली नहीं होना है। मैं आपका आभारी हूँ, लेकिन मुझे हीरे जवाहरात की कोई अभिलाषा नहीं है। हाँ, अगर आप सच में कुछ देना चाहती हैं, तो कोई ऐसा झोला दीजिए जिसमें से हीरों की जगह अनाज निकाला जा सके, ताकि इस राज्य के लोग कभी भूखे ना रहे। राज्य धर्म के भी आप करते हैं सम्मान, पर मेरे पास नहीं आपकी समस्या का समाधान। काली पहाड़ी के जंगल के सबसे बड़े वृक्ष पर एक तांत्रिक लटका मिलेगा, उसके पास अन्नपूर्णा का झोला रहेगा। लेकिन वो हमें वो झोला क्यों देगा? पूर्णा के झोले के बदले वो हीरे ले लेगा, मगर संभल कर जरा, वो धोखा जरूर देगा। हम संभल कर ही जाएंगे, लेकिन बस उस जंगल में ही करती है उसकी शक्तियाँ काम, उसके बाहर है वो बिल्कुल नाकाम। अब चलने की तैयारी करो मुंजा। मुंजा, जरा देखो तो सबसे लंबा वृक्ष कौन सा नजर आ रहा है?
महाराज, ये जंगल तो एक भूल भुलैया है और बिल्कुल इसके बीचों बीच है वो सबसे बड़ा वृक्ष। मुंजा, तुम ऊपर से देखो और मुझे बताते रहो। लगाकर देखता हूँ। तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, तांत्रिक बाबा, ओ तांत्रिक बाबा, हमें बरखा पुराण ने आपके पास भेजा है। कौन हो तुम? क्यों आए हो यहाँ मेरी तपस्या भंग करने? भंग करने नहीं, हम तो आपसे मदद मांगने आए हैं। मदद करने आए हैं? आपकी तपस्या का फल देने आए हैं। क्या लाए हो? कुछ ऐसा जिसकी तुम्हें सालों से तलाश है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी होगी। मेरा नाम है तांत्रिक विष पौधा। मैं नहीं करता कोई घाटे का सौदा। अरे वाह, आप भी कविता कह सकते हो। वक्त बातों में मत करो बर्बाद, ये बताओ कि क्या लाए हो सौगात? हीरे जवाहरात वाला झोला। तुम ये झोला ले लो और माँ अन्नपूर्णा का झोला हमें दे दो। बस इतनी सी बात, तो एक हाथ दो और एक हाथ लो, फिर अपने अपने रास्ते चलो। ये तो बहुत सरलता से मान गया, लेकिन इसकी बहन ने तो कहा था कि ये चालाक है। मुंजा, सतर्क रहो, चालाकी कभी भी हो सकती है। जाओ, ये झोला उसे दे आओ और वो झोला ले आओ। जाओ। यहाँ चलता है मेरा ही हुक्म। मुंजा, इन पक्षियों से ज्यादा देर तक लड़ने में अकलमंदी नहीं है। यहाँ से धीरे धीरे निकलना होगा, क्योंकि इस तांत्रिक की शक्तियाँ इस जंगल के बाहर नाकाम हो जाएंगी। चलो। जो हुकुम महाराज। पीछा करो, बच के ना निकलने पाए, वो झोला मेरे हाथ वापस आए। मुंजा, अब यहाँ से आगे कैसे चले? मेरे पीछे आइए महाराज। अब हम चलते हैं। हम आपका और मुंजा का ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। देखा दोस्तों, मेरे महाराज विक्रम तो हर बार सबकी परेशानी दूर करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसीलिए तो कहता हूँ, देखो, जानो और समझो। समझ गए ना?